हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दिहाड़ी मजदूरों का सहारा बनी रोटी बैंक, विशेष संवाददाता विपिन यादव की रिपोर्ट। जहां एक तरफ कोरोना के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, वहीं ऐसे मजदूर जिनको रोज कमाने के बाद ही खाना नसीब होता है, उनके लिए समाजसेवी मेधाव्रत शास्त्री द्वारा किदवई नगर में रोटी बैंक का सहारा दिया गया है, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों व असहाय लोगों को दोपहर 1 बजे व शाम 7 बजे फ्री खाना दिया जाएगा, जिससे शहर में कोई भी असहाय या रोज कमाकर खाने वाले झाड़ी मजदूर भूखे न रह सके। वही समाज सेवी मेधाव्रत शास्त्री ने शहर के लोगों से आह्वान किया है, वह COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए जो भी सहयोग हो सके उसे बढ़ चढ़ कर करे। सभी के सहयोग से ही हम इस महामारी को हरा सकते हैं। इससे पूर्व सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव ने 1 माह की पेंशन, भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने निधि से 10 लाख व 1 माह की सैलरी, भाजपा के सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड ने निधि व 1 माह की सैलरी सहित 10 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। समाजसेवी के इस सहयोग की लोग सराहना कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेश। यहाँ जो आज आप आए हो खाना खाने के लिए, क्या मामला है? मतलब मजदूरी मिलने नहीं साहब, खाना कहाँ से खाएं? जब काम ही नहीं मिल रहा तो खाना के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पर आए, मालूम पड़ा कि रोटी बैंक पे दिन में भी खाना मिलेगा, तो यहाँ खाना खाने के लिए आए। ठीक, क्या रोटी बैंक पर आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या मामला है? आप और हम सबको पता है कि भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है। पिछले दिनों जनता कर्फ्यू हुआ था, वो सिर्फ 1 दिन का हुआ था। आज उत्तर प्रदेश को 27 तक लॉकडाउन किया गया है और यदि स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो ये लॉकडाउन बढ़ेगा। अब इसमें एक बात समझ लेने की है, जब लॉकडाउन बड़ा होता चला जाएगा तो जो समाज में मेहनत कश है, जो मजदूर है, जो सुबह कमा लेता है तब शाम को उसके परिवार को रोटी मिलती है, ऐसे लोग जब अपने काम से दूर हो जाएंगे, सरकार भी प्रयास कर रही है उन लोगों के यहाँ सीधा नगद हस्तांतरण करके रुपये का। हम सब ने ये प्रयास किया है कि कम से कम हमारे शहर में लॉकडाउन के दौरान कहीं भी कोई ऐसा परिवार ना रहे जो भूखा सोए, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो निरंतर घर में रहने की वजह से कोई भूख से मौत हो जाए। हम सब ने, आपको पता है, एटा में रोटी बैंक जो संचालित है वो शाम को हमेशा ऐसे तबके को खाना खिलाती है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। अब हमने आज उसमें एक नई चीज़ जोड़ते हुए कल से एटा रोटी बैंक पर दोनों समय खाना उपलब्ध होगा, दोपहर में 1 बजे और शाम को 7 बजे। और उसमें इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कोरोना से जो बचाव है, यहाँ जब भी भोजन होगा 2 मीटर की दूरी पर लोग बैठेंगे, एक एक करके यहाँ आएगा, जो भी व्यक्ति आना है उसे अपना भोजन करेगा और चुपचाप अकेला यहाँ से चला जाएगा। इस सब के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, जो हमारे मजदूरी करता है, जो मेहनत कश है, उसके परिवार पर इस लॉकडाउन का कोई संकट ना आए। और आप हम सबको पता है कि हम लोग घर में रह के मैं हो सकता है सिर्फ अपना जीवन बचा लूं, लेकिन अगर मैं अपने प्रयास से किसी दूसरे के जीवन में हम थोड़ा सा भी कुछ अच्छा घटा सकते हैं या कुछ अच्छा उसके पक्ष में कर सकते हैं तो शायद यही आत्मीयत है, यही इंसानियत है और यही मनुष्यता है। हर व्यक्ति को यह प्रयास करना है। यद्यपि कोरोना से डर बहुत है, भय बहुत है, लेकिन इस बीच में भी हमें एक दूसरे के सहयोग को तोड़ना नहीं है। जब हम सारे के सारे लोग सहयोग के साथ कोरोना से जंग लड़ेंगे तो आप सबको पता है कि भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। ये जो आपका एटा रोटी बैंक पर योगदान है, जैसे कि लॉकडाउन 25, 26, 27 तक है, इससे आगे भी लॉकडाउन होता है, तो ये जो आपका योगदान है ये कब तक रहेगा? हमने 1 महीने का यहाँ राशन सुनिश्चित किया है, चावल है, सब्जियां है, सारी चीज़ों को लगभग 1 महीने का यहाँ कलेक्शन कर दिया है और जो भी चीज़ कम पड़ेगी वो हम सारी की सारी उसको पूरी करेंगे। और मेरी आप सबसे अपील है, प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपील है, यदि वो चाहे तो रोटी बैंक को एक ऐसा केंद्र जनपद में बना सकते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति जो भूखा रहता है सुबह और शाम दोनों समय आके भोजन करे। राशन की व्यवस्था है वो हम अपनी तरफ से करेंगे और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें और आहुति देंगे। मुझे लगता है राशन की तरफ से सारी निश्चिंतता है और एटा रोटी बैंक के जो संचालक है आमिर, उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। वो आज तक एक समय अपने सामर्थ्य से संचालित कर रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ उसमें एक समय और जोड़ा है।
और जो भी जरूरतें इस बीच में होंगी वो सारी पूरी की जाएंगी। और बस जब तक कोरोना है तब तक ये निरंतर जारी रहेगा, चाहे वो एक महीना हो, दो महीना हो या एक साल हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।